एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपका शेयर करने वाली हूँ मेरा सूट्स का कलेक्शन। तो ये है मेरे कुछ सूट्स, इतने हैं मेरे पास में अभी फिलहाल। सो मैं आज आपके साथ में अपना सूट का कलेक्शन शेयर करूंगी। तो बहुत टाइम से मेरे चैनल पर रिक्वेस्ट आई थी कि दी अपना सूट्स का कलेक्शन, अपने टॉप्स का, अपनी ज्वेलरी का कलेक्शन शेयर करो। तो टाइम ही नहीं मिल रहा था यार, क्योंकि आजकल वो जो चैलेंजेस वाली वीडियो है ना, पास दी बिंदी चैलेंज, पास दी मेकअप ब्रश चैलेंज, वो सब करने में थोड़ा सा बिजी हूँ। तो मैंने सोचा जब आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो तो क्यों ना मैं ये वीडियो कर ही लूँ। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेरे सूट्स का कलेक्शन। सो मैंने अपने सूट सारे के सारे निकाल करके अलमारी में से ऐसे रख दिए हैं। कुछ पे प्रेस है, कुछ पे प्रेस नहीं हुई है, तो प्लीज माइंड मत करना, क्योंकि मैं इतने सारे सूट पे कैसे प्रेस करूं एक साथ। हाँ, जब पहनूंगी तब प्रेस कर लूंगी। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ सिर्फ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने दिखा दिए थे आपको, कुछ मेरे पास ये हैं और मैंने अभी तक गिने नहीं है कि कितने जोड़ी हैं। सो अभी मेरे को आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं एक एक करके आपको अपने सूट का कलेक्शन दिखा देती हूँ, एंड वीडियो अच्छी लगे तो आपको क्या करना आपको पता है, मेरी बहुत मेहनत लगने वाली है, क्योंकि सबको पहनना है, फिर उतारना है, फिर थोड़ा मेकअप सही करना है, फिर सब कुछ करना है, आपको पता है कितनी मेहनत लगेगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो पहले वाला सूट दिखाती हूँ, अपना फेवरेट सूट दिखाती हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये है ब्लू कलर का सूट, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये सूट। मैं इसको मोस्टली पहनना चाहती हूँ कि मैं हर ओकेजन पे मतलब इसको पहन लूँ। ये सूट है कुछ इस तरीके का, ये कुछ इस पे वर्क है। तो अभी तो जैसे आपको मैं ऐसे सूट दिखा रही हूँ, अभी तो आपको दिखेगा नहीं, तो मैं आपको पहन करके दिखाऊंगी, तब आपको आइडिया होगा कि ये कितना अच्छा सूट है, इस पे क्या वर्क है, क्या है। तो फ्रेंड्स, जितने भी मेरे ये सारे सूट है वो मेरी मम्मी ने ही सिले हैं। घर पर मेरी मम्मी को सिलाई आती है, तो मैंने इनमें से एक भी सूट बाहर नहीं सिलाया, सारे मेरी मम्मी के सिले गए हैं। बहुत अच्छी वाली फिटिंग वाले मेरी मम्मी सूट सिलती है, मेरी मम्मी को सिलाई आती है, तो मुझे थोड़ा फायदा हो जाता है, क्योंकि मैं सूट सिलवाती रहती मम्मी से अपनी। तो पहला वाला सूट ये था ब्लू कलर का, आई होप आपको थोड़ा बहुत दिख गया हो। जल्दी से दिखा देती हूँ, वीडियो लंबी नहीं करूंगी बिल्कुल भी। सेकंड मेरा ये वाला सूट है, ये कुछ पिंक कलर का है, एंड ये काफी अच्छा सूट है, काफी भरा भरा सूट है, ये कुछ इस तरीके का वर्क है इस सूट पे। अगेन मैं आपको कह रही हूँ ऐसे दिखेगा नहीं बिल्कुल भी, इसलिए पहन के दिखाऊंगी आराम से। ये सूट है कुछ मेरा इस तरह का, इस पे वर्क है। सेकंड हो गया। थर्ड मेरा सूट ब्लैक है, मेरे पे एक ही ब्लैक सूट है, मेरे पे ज्यादा ब्लैक सूट नहीं है, बस एक ही ब्लैक है ये सूट मेरे पास, इस तरीके का है ये। और इसमें भी मैंने आपके साथ मेकअप लुक शेयर किया हुआ है, इस पे कुछ इस तरीके का ये वर्क है। आई होप मैं आपको पूरा दिखा पा रही हूँ, क्योंकि यार इतने से कैमरे में मैं कैसे दिखाऊं सूट, इसलिए मैं पहन करके दिखाऊंगी, पहन के घूम घूम के आपको दिखा दूंगी। तो तीसरा सूट हो गया मेरा। चौथा वाला जो सूट है मेरा, उसमें मैंने अभी मेकअप लुक शेयर किया था। अभी कहाँ गया? ओ वो सूट उधर है, वो उधर से लेके आना पड़ेगा, उस दिन का उधर ही है वो, तो वो वाला सूट मैं लेके आऊंगी बाद में। अभी ये देख लो, ये वाला सूट है एक मेरा, इसको मैंने अभी तक मतलब शायद इसमें मैंने मेकअप लुक शेयर किया होगा। इसका जो बैक है ना, ये यहाँ से आप इस तरीके से पहनोगे ना, तो आपकी पूरी बैक है ना जो, वो दिखेगी, और काफी अच्छा लगता है ये वाला सूट। तो मुझे भी ये वाला सूट मुझे काफी ज्यादा पसंद है, तो पहनने के बाद पता चलेगा आपको कैसा है ये। तो ये हो गया नेक्स्ट सूट, वो मेरा प्लेन है व्हाइट कलर का, इसमें मैंने बहुत मेकअप लुक शेयर किया है, बहुत मेकअप लुक। तो ये कुछ इस तरीके का है, और इसको मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं इस कपड़े को, ये चिकन वाला कपड़ा है, मुझे पता नहीं, याद ही नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे मेकअप पे मत जाइएगा, क्योंकि बहुत देर से ये मेकअप लुक मैंने किया हुआ है और मेल्ट भी होना चालू हो गया है, क्योंकि अभी एसी अभी ऑन किया है, मौसम बहुत बेकार हो रहा था, तो अभी एसी ऑन किया है, और यहाँ से मेरा आईलाइनर जो वो छूट रहा है, तो प्लीज ये मत कहिएगा आपका आईलाइनर अच्छा नहीं लगा हुआ। तो ये देखो मेरा ये वाला सूट है व्हाइट कलर का, और ये वाला सूट वो वाला सूट है जो मैंने किसी पे देखा था, और मैंने कहा मुझे ऐसा सूट सिलवाना है मम्मी, तो मैंने इस पे ये वाली चुन्नी ली थी लाजपत नगर से, ये वाली मैंने चुन्नी ली थी, आपने देखा होगा बहुत लड़कियों के पास होती है ये वाली चुन्नी। तो ये किसी को देख करके सिलाया हुआ सूट है, तो ये व्हाइट कलर का प्लेन सूट है, और काफी अच्छा लगता है, आप पहनोगे ना किसी चीज पे बहुत सुंदर लगेगा ये वाला सूट। नेक्स्ट है वो ये पिंक वाला सूट है, ये मैंने आपको दिखा दिया था अपने ड्रेसेस के कलेक्शन में, अपने गाउन के कलेक्शन में ये वाला सूट मैंने दिखा था, बट हाँ पहनकर नहीं दिखाया था, तो आज पहनकर भी दिखाऊंगी। सो ये वो वाला सूट है, और ये भी काफी अच्छी, इसकी फिटिंग बहुत गजब है यार, इसकी फिटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये वाला सूट है कुछ पिंक कलर का, एंड इसपे कुछ इस तरह का डिजाइन है। तो इनकी लेगी वैगी और पैंट वगैरह मैं आपको नहीं दिखा रही, क्योंकि वो तो यार आप वीडियो में देख ही लोगे आगे। तो अभी सूट दिखा रही हूँ, ठीक है।
उसकी ये चुन्नी है। नेक्स्ट ये वाला सूट है मेरा जो मैं दिवाली पर पहनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है दिवाली पर, काफी भरा है ना, काफी अच्छा है। देखो पीछे से देखो कितना अच्छा है। और ये इस तरीके का ये सूट है, काफी लॉन्ग है और ये कुछ इस पर डिजाइन है। अरे यार कैसे दिखाऊं, हाँ ये कुछ इस तरीके का इस पर डिजाइन है और इसका कलर बहुत प्यारा है, पीच कलर है, बहुत अच्छा लगता है ये सूट मुझे। ये वाला सूट हो गया है और अब है नेक्स्ट ये ग्रीन वाला सूट जिसमें मैंने कृति सैनन इंस्पायर्ड मेकअप लुक शेयर किया था आपसे। प्लीज यार मेरे सारे इंस्पायर्ड मेकअप लुक देखा करो, मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो यार, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। तो नेक्स्ट ये वाला है वो ग्रीन कलर का है और इसमें कुछ मैंने मम्मी से कहकर के बाजू इस तरीके की लगाई थी, जो यहां से ऐसे गोल नहीं होती वो वाली बाजू लगवाई थी मैंने मम्मी से कहकर के। तो इसकी भी फिटिंग काफी अच्छी आती है और ये पूरा प्लेन ही है और ऐसे शाइनिंग वाला है, ये जो ग्रीन होता है ना वो वाला ग्रीन नहीं है, शाइनिंग वाला ग्रीन है, कैसा कलर है पता नहीं, ग्रीन है। नेक्स्ट हो गया ये वाला सूट और उसके बाद आता है ये सूट। ये भी सूट किसी को देखे हुआ और सिलाया हुआ सूट है, मतलब किसी को देख लिया और अच्छा लगा, मम्मी सिल दो, सिल दिया मम्मी ने, मुझ पर अच्छा नहीं लगा वो सूट और ये ऐसे रखा है। ये वो वाला सूट है। तो ये कुछ इस तरीके का सूट है, नेट है और नीचे इसमें अस्तर है और कुछ इस तरीके के इस पे ये फ्लावर्स हैं। और ये कट स्लीव इसलिए है क्योंकि मुझे कोई मेकअप लुक शेयर करना था इसमें, तो मैंने इसे कहा मैंने कहा मम्मी अभी इसमें ना बाजू मत लगाओ, तो बाजू बाद में लगा लेना, तो वो आज तक बाजू लगी ही नहीं इसकी और सारी जो है इसकी बाजू है ना वो इसी तरीके की नेट में ही है। वैसे तो अच्छा है सूट, इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन बस पहनने के बाद वो लुक सा ही नहीं आता जो मुझे चाहिए था, जो मैंने किसी और को पहने हुए देखा था वो ऐसा लगता ही नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके। और क्या कलर है, गोल्डन कलर है, ये देखो बिल्कुल भी मतलब इतना खास नहीं लगता। नेक्स्ट जो नेक्स्ट वाला मेरा सूट है वो है ये ग्रीन कलर का। सो ये कुछ इस तरीके का सूट है और ये बहुत टाइम से रखा है एंड आप देख सकते हो इस पर लाइन वगैरह किस तरीके से बनी हुई है। सो ये मैंने तब सिलाया था जब मैं बीएड कर रही थी और एक दिन ऐसा था कि सूट पहन के जाना था और मेरे पास कोई अच्छा सूट नहीं था उस टाइम, 2017 की बात है शायद, तो मेरे पास कोई अच्छा सूट नहीं था, तो 2017 या 18 की बात है, आप ये सोचे क्योंकि इसे अपना ईयर ही याद नहीं है, तो 17 या 18 में ये नहीं बता सकती कि हाँ कौन से ईयर में आए थे। वो इंस्पेक्शन वाली टीम आई थी बाहर से, तो उन्होंने बोला था कि जो भी स्टूडेंट होंगे सारे वो सूट में आए, तो हम सब ने लड़कियों ने हमारी क्लास में जो 50 बच्चे थे जिसमें से हम 47 लड़कियां थी, 3 लड़के थे, तो सर ने बोला था कि आप साड़ी नहीं पहनना चाहते साड़ी मत पहनो क्यों, तो सूट पहन के आ जाओ। तो मेरे पास सूट नहीं था और मेरी मम्मी ने इमरजेंसी में ये वाला सूट मेरा सिला था उस दिन पहनकर जाने के लिए, क्योंकि साड़ी बहुत डिफिकल्ट होती थी पहनने के लिए और घर से ही पहन के जानी पड़ती थी और मेरा कॉलेज बहुत दूर था, बहुत दूर। किसी दिन बैठ के आराम से आपसे बात करूंगी ना तब बताऊंगी आपको मेरा कॉलेज कहाँ था, कितनी दूर था, तो बहुत दिक्कत होती थी साड़ी पहन के जाने में। तो ये सूट मैंने स्पेशली सिलवाया था मम्मी से कि मम्मी सिल दो जल्दी से, मुझे पहन के जाना है ये कॉलेज में। तो ग्रीन कलर का ये सूट है और इस तरीके का इस पे कुछ ये वर्क है और काफी पुराना सूट है, तो मैं पहन के दिखा दूंगी, शायद ये मेरे अब आए भी ना। तो दो दिन हमें साड़ी पहन के जानी होती थी, मंडे और फ्राइडे, मुझे तो डे भी ढंग से याद नहीं है कि मंडे या फ्राइडे ही था या फिर ट्यूजडे या फ्राइडे था, तो दो दिन साड़ी पहन के जानी थी, बाकी जींस वगैरह ही। तो हम जींस वगैरह ज्यादा पहनते थे, सभी लड़कियां जींस पहनती थी हमारी क्लास में सब। और नेक्स्ट सूट है। और फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि आप सोच रहे होंगे ना कैसी यूट्यूबर है, कैसी लड़की है, इसको लाइनर लगाना नहीं आता, तो मैं आपको ये बताऊं ये मेरी तीसरी वीडियो है जो मैं इस मेकअप लुक में शेयर कर रही हूं और मौसम बहुत गंदा हो रहा था और मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हाथ लगा दिया था ऐसे, तो ये लाइनर मेरा यहाँ से थोड़ा सा फैल गया था, तो इसको ठीक करने में मैं बस टाइम नहीं देना चाहती थी क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी थी, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ से सही कर लिया। तो आपको ये वाला यहाँ से थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा। तो चलो अपने सूट पर आते हैं। नेक्स्ट मेरा ये वाला सूट है जिसपे मैंने अभी अभी आपको आपके साथ में ईद मेकअप लुक शेयर किया एंड आपको वो मेकअप लुक बहुत ज्यादा पसंद आया है, बहुत सारे इस पे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए ना, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं उस पे, तो थैंक यू सो मच, आपको इतना अच्छा लगा मेरा ईद मेकअप लुक, सब बोल रहे थे आप बिल्कुल ऐसी लग रहे हो, बिल्कुल बहुत अच्छे लग रहे हो, मॉमडन लग रहे हो बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच। जिस जिसने देखी वीडियो, जिस जिसने कमेंट किया उसको बहुत बहुत थैंक यू। तो नेक्स्ट ये वाला सूट है और ये मैंने अभी हाल ही में सिलवाया है ये वाला सूट, तो ये कुछ पर्पल कलर का है। नेक्स्ट जो मेरा सूट है वो रद्दी है, मतलब ऐसे ही है, ये पिंक कलर का सूट है, मेरा मम्मी ने सिला था, ये कुछ इस तरीके का सूट है। इस पे ये मैंने अभी तक नहीं पहना है, मैंने ये पहना ही नहीं,
कुछ इस तरीके का डिजाइन है और ये सूट है, मतलब सिलवाना सिलवाया था मैंने इसको बहुत ही चाव से, लेकिन अभी तक मैंने इसको पहना नहीं है। सो फ्रेंड्स ये तो सब चुन्नियां हैं, ठीक है ये सारी चुन्नियां हैं। सो अभी मैंने आपको अपने सूट दिखा लिए, मुझे नहीं पता कितने हुए, मुझे गिनती नहीं करी मैंने इनकी, और मैं आपको इन्हें पहनकर भी दिखा देती हूँ फटाफट से, तो पहनने के बाद लुक कैसा आता है वो ज्यादा मैटर करता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा सूट का कलेक्शन, और मैं अभी आपके सामने अपनी कुर्ती का कलेक्शन भी शेयर करूंगी, बिकॉज ये वाली जो कुर्ती मैंने पहनी हुई है दिखाऊं आपको इस तरीके ऊपर होना पड़ेगा, तो ये है कुर्ती मेरी, ये मैंने न्यू ली थी अभी। तो कुर्ती का कलेक्शन मैं इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि कुर्ती अलग होती है सूट अलग होता है, सूट प्रॉपर पूरा होता है, कुर्ती अकेली होती है। तो कुर्तियां मेरी मैंने अलग रखी हुई है, अगर आपको चाहिए तो कुर्ती का कलेक्शन भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। टॉप का कलेक्शन भी जल्दी ही आने वाला है, पर मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ बहुत जल्दी आएगा, बट हाँ जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने टॉप्स का कलेक्शन भी, और जितनी भी मेरे पास ज्वेलरी है सबने बोला है जितनी भी ज्वेलरी हो आप दिखाओ दिखाओ, तो जितनी भी ज्वेलरी है ना मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी, तो प्लीज थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा पर उसके लिए, क्योंकि आजकल ना बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं तो सबके साथ चलना पड़ता है ना, तो मैं वो चैलेंज भी कर लूँ और साथ में आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी कर दूँ। जैसे आज आपको सूट कलेक्शन दिखाया ऐसे ही आपको टॉप का कलेक्शन, इयररिंग्स का, ज्वेलरी का कलेक्शन वो सब दिखा दूंगी, और अगर कुर्ती का कलेक्शन देखना चाहते हो तो बताना, वैसे तो इतनी कुर्तियां नहीं है पर जितनी है अच्छी है तो इसलिए बताना मुझे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए मैं इनको पहन करके दिखा देती हूँ आपको कि इनका लुक आता कैसा है, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आपको पता है क्या करना है, कमेंट जरूर करके बताना कौन सी कुर्ती आपको ज्यादा पसंद आई है वो भी बताना है, कलर कुर्ती मैं क्या बोल रही हूँ, तो आपको पता है वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये भी बताना है कि कौन सा, और ये भी बताना है कि कौन सा वाला सूट आपको ज्यादा पसंद आया, तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताना कौन सा सूट आपको पसंद आया। तो चलिए देख लेते हैं कि पहनने के बाद कैसे लगते हैं ये सूट। बाय।